बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम अपने कपास में स्प्रे कर रहे हैं और ये पहला स्प्रे है हमारा। पहले वैसे किया तो था लेकिन वो जिब्रालिक एसिड का और लियोफिनरान का किया था बीटी में जब लश्करी सुंडी का टेक था। तो आज हम पहला स्प्रे कर रहे हैं अपने काटन में। तो आप अपनी काटन में जाके चेक करें, इस साल मिली बग का शदीद हमला है, 80 से ज्यादा, यानी कि पैचेस जहां पे हम खड़े हैं। ये बच्चा दिखाएगा आपको, ये देखें। तो ये अचानक जब गर्मी बढ़ी है तो अचानक हुआ है। और दूसरी बात ये है, ट्रांसजेनिक काटन वैरायटीज जो है वो बहुत ज्यादा शेडिंग कर रही है और काफी सारे लोग दोस्त पूछ रहे हैं जी क्या करें। तो भाई जान, ये कुछ नहीं हो सकता, आप क्या करेंगे, ये बारिश की वजह से हुआ है और ओवर ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से शेडिंग कर रही है और उसके मुकाबले में बीटी कम कर रही है। तो ये वैरायटीज जो है बारिश वगैरह या बस ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। तो एक वैरायटी सामने खड़ी है एफएच वालों की है, कोई सानी नहीं है उसका जितनी वो फ्रूटिंग लेती है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैरायटी नहीं होगी जितनी वो फ्रूटिंग उठा रही है और गिराने भी उसका कोई सानी नहीं है, यानी कि जितनी उठाती है उतनी गिरा देती है। ये वजह नहीं है कि ये उसका कोई करैक्टर है, मेन वजह यही है कि उसकी जो पानी है वो मैनेज नहीं हो रहा। यानी कि मिसाल दे रहा हूँ, आपका पानी फसल में लगा होता है और फिर बारिश आ जाती है, फिर दोबारा पानी आपको लगाना पड़ता है और खाद वगैरह मैनेज नहीं हो रही और ये कम पानी लेती हैं, इस वजह से शेडिंग कर रही हैं। लेकिन दुआ करें आगे मक्खी का प्रेशर ना बने और पेस्ट का प्रेशर ना बने तो ये 10-15 दिन में यानी कि अपना फ्रूट कवर कर लेंगी। तो कहने का मकसद ये है भाई, यानी कि जहाँ पे इस स्पेस मिलता है थोड़ा सा वक्फा होता है वहां पे फ्रूटिंग ज्यादा होती है। तो ये बात नहीं है जैसे कुछ दोस्त दिखा रहे होते हैं, मैं समझता हूँ यार इनके यहाँ तो फ्रूट बहुत ज्यादा लगता है, हमारे यहाँ कम क्यों होता है। लेकिन अब मुझे समझ आई है कि ये चीजें दिखाते हैं ये सामने वाली। तो माशाल्लाह ठीक है, बहरहाल एवरेज 5-6 टिंडे हैं सीजनल में और मेच्योर, और बाकी जो है फ्रूटिंग काफ़ी है और गिरी भी काफ़ी है। लेकिन अगर ये 5-10 दिन की 15 दिन की फ्रूटिंग पका ले तो फिर माशाल्लाह बहुत हो जाएगी। अच्छा, बात चल रही थी हमारी स्प्रे पे, तो मैं ये कर रहा हूँ रुमेल। ये रुमेल है, ये मैंने काशो शाह साहब से लिया था। तो ये हमारे ना सब स्टेला है और थोड़ी थोड़ी मक्खी है, तो हम इसे अकेले में कर रहे हैं, अकेला ही कर रहे हैं और साथ कुछ नहीं कर रहे। ये जो बीटी है हमारी 10-12 एकड़ जिसमें AS14 है, मैं आज आपको वो दिखाता हूँ, फल से भरी पड़ी है, हालांकि लेट है इससे थोड़ी सी, माशाल्लाह उसने काफी फ्रूटिंग ली है और हमने केयर भी नहीं की थी। और बीटा सेफलोथ्रीन जो है उसमें ये 100 ml वो साथ में मिला देंगे, इसके सिर्फ 100 ml फी एकड़, ठीक है जी। बहुत जहरीली होती है ये, परवाने के ऊपर अगर डायरेक्ट गिरेगी तो परवाना मर जाएगा। और साथ में हमारे पास पड़ी है कैपिटल प्लस, वो भी हम 100 ml, यानी कि वो 100 ml और ये 100 ml फी एकड़। और ये जो कर रहे हैं ना, ये हम 3 पैक डाल रहे हैं, तो इसकी जो डोज है वो 90 ग्राम फी एकड़ हम कर रहे हैं। ये 50% वाला और ये 80 करना होता है फुल डोज में, तो हम इसे 90 में कर रहे हैं, यानी कि 90 में करके पहला स्प्रे है और हमारी यानी कि तेले से जान छूट जाए। आपने जो स्प्रे भी करना है ना, ये तो वैसे हम डाल रहे हैं, ये असल स्प्रे है, तो जो भी असल स्प्रे करना है उसकी डोज यानी कि अच्छी रखनी है, लो डोज में नहीं करना, हाई डोज में करना है। अच्छा, ये तो हमने वैरायटियों में बात कर ली कि आप परेशान ना हो, ठीक है जी, जो शेडिंग हो रही है अपनी फसल को मैनेज रखें, चलाते रहें और ये 2-4 दिन में 5 दिन में 10 दिन में जब मौका मिलेगा तो ये फ्रूट से भर जाएगी। ये देखें, नीचे से 2-3 टिंडे उठाए फिर शेडिंग कर गई, ठीक है जी,
फिर शेडिंग कर गई। यहाँ से थोड़ी सी आगे चलेगी, यहाँ से थोड़ी सी आगे चलेगी और ये पत्ता भी नहीं चलेगा, पूरी हो जाएगी फ्रूटिंग। और ये टेंशन नहीं लेनी, हाँ ये अगर आपका भी रुक जाएगा, जाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। आप अपने पौधे को अभी चलाएं और ज्यादा ना चलाएं, ओवर ग्रोथ ना करवाएं, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा चलाते रहे और पेस्ट मैनेज करते रहे। ये देखें मक्खी और सब्स तेले की वजह से ये देखें धब्बे हैं पत्ते पे, तो इस वजह से अच्छी डोज के साथ स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि पहले भी लेट हो चुके हैं। तो ये देखें ये धब्बे, ये सब्स तेला की मेन निशानी है, नजर आ रहा है जरा। अच्छा ये देखें ये धब्बे है और इसकी वजह से भी शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं हम, रिमेल, ठीक है जी। थ्रिप्स अभी है नहीं हमारे यहाँ, मक्खी है और सब्स तेला है, तो मक्खी और सब्स तेले के लिए ये कर रहे हैं, अच्छी डोज में कर रहे हैं। वो बॉम खड़ी है, चलते हैं उधर, आपको AS-14 भी दिखाते हैं BT का टनल में और स्प्रे भी चले भी। ये है जी रुमेल, ठीक है जी। ये तीन पैक एक टैंकी में, और एक टैंकी कर रहे हैं 4 एकड़ में। ये इसकी डोज बनती है 90 ग्राम इसकी डोज बनती है फी एकड़। अब चलते हैं BT कार्टन में AS-14 में। तो ये है जी BT कार्टन AS-14 और माशाल्लाह फ्रूटिंग जबरदस्त ले रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने केयर भी नहीं की ज्यादा, यानी कि इसकी छिदराई भी लेट की है और इसकी गोडी भी लेट करवाई थी, उसके बावजूद माशाल्लाह ये जबरदस्त जा रहा है, ये देखें। तो अब हम यानी कि इसमें ना थोड़ा सा बीटा सेफलो और यानी कि कैपिटल प्लस, ये 200 ml 100 ml ये थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। अल्लाह करेगा गुलाबी से जान छूट जाए तो ये वैरायटी टॉप क्लास की है, 2016 से लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं। और इसके पीछे है साइटो 2024, माशाल्लाह वो भी ठीक जा रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी शेडिंग हो रही है और ओवर ग्रोथ कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। जहां भी है कोशिश करें आप उसे रोकें, और जो स्प्रे करेंगे तो उसमें 100 ml बीटा सेफलो या दानेदार लैम्डा दानेदार या फिर कैपिटल प्लस 100-200 ml ये डालते रहा करें ताकि परवाना मर जाए। तो ये आप फील्ड देखें जी, ज्यादा दिखाएं, ये AS-14 का फील्ड है, माशाल्लाह जबरदस्त है और पीछे BT खड़ा है। एक चीज और बताता चलूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक खाद नहीं दी वहां पे शेडिंग नहीं हुई, पत्ते की बात बता रहा हूँ, अभी तक जिन दोस्तों ने खाद नहीं दी वहां पे शेडिंग नहीं हुई। हमारे यहाँ ये दोस्त है, उसके 8 एकड़ पड़े हैं इस साइड पे और 10 एकड़ उस साइड पे पड़े हैं, तो उसने खाद क्या दी है, 10-12 किलो यूरिया दी थी शुरू में, उसके बाद खाद नहीं दी। माशाल्लाह ग्रोथ भी ठीक है, कपास चल भी ठीक रही है और टिंडे से भरी पड़ी है, और जहाँ पे खाद थोड़ी सी ज़्यादा दी है ऊपर बारिश आई है वहाँ पे सारी शेडिंग कर गई, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।